बच्चों ये बताओ, जो मैंने तुम लोगों को कल कविता सिखाई थी, क्या वो तुम लोगों को याद है? जी दीदी। अच्छे से याद है? जी दीदी। चलो एक बार ऐसा करते हैं, दोहरा लेते हैं। जी दीदी। पहले मैं बोलूंगी, फिर तुम लोग बोलना। जी दीदी। चलो, एक बड़े राजा की बेटी, एक बड़े राजा की बेटी, दो दिन से थी पलंग पे लेटी, दो दिन से थी पलंग पे लेटी, तीन तीन डॉक्टर देखने आए, तीन तीन डॉक्टर देखने आए, चार दवा की पुड़िया लाए, चार दवा की पुड़िया लाए, पाँच पाँच घंटे बाद पिलाई, पाँच पाँच घंटे बाद पिलाई, छठे घंटे होश में आई, छठे घंटे होश में आई, सातवें घंटे उठकर बैठी, सातवें घंटे उठकर बैठी, आठवें घंटे खाना खाई, आठवें घंटे खाना खाई, नौवें घंटे दौड़ लगाई, नौवें घंटे दौड़ लगाई, और हमने दस्तक गिनती पाई, और हमने दस्तक गिनती पाई। देखा तो गिनती आई समझ में? जी दीदी। अच्छा, क्या तुम लोग अंग्रेजी में भी गिनती जानते हो? जी दीदी, कुछ 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 कुछ। अच्छा चलो मुझे गिनती सुनाओ तुम इंग्लिश में। एक दो, नहीं एक दो नहीं, वन से बोलो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। चलो ऐसा करते हैं, एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें कार्ड्स बांटती हूँ। देखो ये मैंने कैलेंडर से तारीख काट काट के दफ्ती पे चिपका लिए। तुम भी तो ऐसे बना सकते हो ना घर में? जी दीदी। अब मैं ये कार्ड तुम्हें बांटूंगी और मैं तुमसे स्पेलिंग पूछूंगी, याद रखना विक्की, ठीक है? चलो जी। ये कार्ड मैं तुम्हें दे रही हूँ, सुने ना, आगे आगे बांटते जाओ। सबसे पहले जिससे पूछेंगे वो तो इसकी स्पेलिंग बताएगा, ठीक, और कार्ड भी शो करना होगा। जिसके पास कार्ड होगा बताएगा कि मेरे पास ये कार्ड है मैचिंग का, ठीक है? जी दीदी। बताओ ये कौन सा है? ये देखो विष्णु, एट। स्पेलिंग बोलो। ई आई जी एच टी। वेरी गुड। अब बताओ कार्ड किसके पास है? दीदी दीदी मेरे पास। दिखाओ तो सामने, सीधा करो इसको बेटी। नहीं इसको, ये उल्टा है ना, इसको सीधा कर दो कार्ड को, ऐसे घुमा के ऐसे। हाँ ये हुआ एट, वेरी गुड। चलो अब फिर से ये देखो दीपिका, तुम बताओ। F I V E 5। अच्छा आप बताओ ये कार्ड किसके पास है? दीदी मेरे पास है। अरे वाह ठीक। चलो आप साक्षी से ही पूछते हैं। साक्षी ये बताओ क्या है? 7 S E V E N। शाबाश 7। अच्छा सुने ना तुम बताओ इसमें कौन कौन से फल रखे हैं? इसमें केला है और अमरूद है और सेब है। अच्छा साक्षी तुम बताओ इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दीदी इनको इंग्लिश में केले को बनाना कहते हैं, एप्पल सेब को एप्पल कहते हैं, और अमरूद को ऑरेंज कहते हैं। नहीं तो अमरूद को ऑरेंज नहीं कहते बेटे, मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अमरूद को कहते हैं गुआवा। क्या कहते हैं? गुआवा। ठीक है, और बड़े सारे फल रखे हैं। देखे कौन गिन के बताता है? इसको मैं पहले क्वेश्चन से पूछूंगी, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट? ठीक है, तो आपको इसकी हिंदी कैसे हुई? कितने सेब टोकरी में है? ठीक, अब इसको इसका उत्तर कैसे बनाओगी साक्षी? देयर आर 6 apples in the basket. Very good. तुमने उसी को फॉलो किया, शाबाश। चलो अब दीपिका तुम बताओ, how many guavas in the basket? There are 7 guavas in the basket. Very smart. आपने गिन भी लिया ना, शाबाश 7 guavas. अच्छा now विकी तुम बताओ, how many bananas are there in the basket? There are 10 bananas in the basket. तुम लोगों के लिए तो काफी है खाने के लिए, ठीक है ना? जी, जी, जी। अच्छा ये तो हो गया टोकरी में। अब ये बताओ, एक कोई हमें ऐसे ही क्वेश्चन बना के दिखाओ डॉल्स के ऊपर। सुना ना तुम बनाओ। How many dolls are kept on the floor? Very good. अब आंसर देगी दीपिका। There are 6 dolls kept on the floor. शाबाश, ऐसे ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? अच्छा अब मैं आपको और 3 वर्ड्स देती हूँ, उस पर आप बना के दिखा।
ठीक है। दीपिका हम आपसे पूछते हैं पेंसिल्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाओगी। हाउ मेनी पेंसिल्स आर केप्ट इन द बॉक्स। हाँ तो विकी तुम आंसर दो। देखो देयर आर 9 पेंसिल्स इन द बॉक्स। ठीक है 9 पेंसिल्स। चलो अब हम ऐसा करते हैं देखो अभी तुम्हें एक और क्या तुम मुझे कविता पे आधार इस पे कविता बनाकर कोई दिखा सकते हो कि सुना सकते हो जो गिनती पे आधारित हो। जी दीदी जरा बताओ तो। 1 2 बबल बबल माय शू 3 4 शट द डोर 5 6 पिक अप द स्टिक्स 7 8 ले देम स्ट्रेट 9 10 अ बिग फैट हेन। अरे वाह तुम्हें तो बड़े अच्छे से ये वाली कविता याद है, शाबाश। चलो अब आगे देखते हैं तुम्हें मैंने तुम लोगों के लिए क्या लिख के लाई हूँ। चलो पहले मैं तुम्हें कुछ वर्ड मीनिंग बताती हूँ, उसके बाद इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन और आंसर सीखेंगे। ठीक है। बर्ड माने क्या होता है? चिड़िया। ठीक है। हैन माने मुर्गी। ठीक है अच्छा। और चिक माने चूजा, मुर्गी का बच्चा। ठीक है। फिर डक, डक माने बतख, शाबाश। फिर स्काई, स्काई माने आकाश। और काइट, काइट माने पतंग। ठीक है अच्छा। अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए और कुछ चित्र बना के रखे हैं, तुम लोग भी ऐसे घर में बना सकते हो, है ना। आप मुझे विष्णु बताएगा कि इसमें चिड़िया कितनी है। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, विष्णु टेल मी हाउ मेनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री। देयर आर 4 बर्ड्स ऑन द ट्री। शाबाश वेरी गुड। अच्छा अगले देखते हैं। अच्छा ये तो हो गई मुर्गी, और मुर्गी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेन। अच्छा और ये नन्हे नन्हे चूजे, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिक। हाँ अभी तुमने देखा ना, हमने बताया था चिक। ठीक तो अब मुझे साक्षी बताएगी हाउ मेनी चिक्स आर देयर अराउंड द हेन। देयर आर 7 चिक्स अराउंड द हेन। शाबाश 7 चिक्स अराउंड द हेन वेरी गुड। अब देखो 2 बत्तख। राजू तुम मुझे बताओ कि ये कुल कितनी बत्तख है। पहले मैं इंग्लिश में पूछूंगी फिर तुम मुझे इंग्लिश में ही उत्तर दोगे। हाउ मेनी डक्स आर देयर इन द वॉटर। देयर आर 2 डक्स इन द वाटर। शाबाश ऐसे ही सेंटेंस बनाना सीखना वेरी गुड। अच्छा अब आगे देखते हैं। देखो ये मैंने छोटे छोटे चित्र काट के तो चुपकाए, ऐसे तुम भी बनाना है ना। देखो ये कौन है? बिल्ली है ना। तो हाउ मेनी कैट्स आर ऑन द पिक्चर। देयर आर 3 कैट्स ऑन द पिक्चर। ठीक है अगला बताओ। अरे वाह ये तो गुब्बारे हैं रंग बिरंगे। विकी तुम बताओ हाउ मेनी बलून्स आर देयर इन द पिक्चर। देयर आर 7 बलून्स इन द पिक्चर। शाबाश। ठीक है तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हो ना। जी दीदी। अच्छा आप यहीं पे रुक जाते हैं, 2 टीम बनाते हैं, एक खेल करते हैं। ठीक है दीपिका उस टीम की लीडर होगी और विकी इस टीम का लीडर होगा। जो मैं चित्र दिखाऊंगी इस पर ये वाली टीम क्वेश्चन पूछेगी और ये वाली टीम उत्तर देगी, जिसको आएगा वो हाथ उठाएगा। ठीक है चलो दीपिका तुम इस पर क्वेश्चन बनाओ। हाउ मेनी एरोप्लेन आर इन द पिक्चर। एरोप्लेन। ठीक है टेल मी। देयर इज 1 एरोप्लेन इन द लिसन, इसने बिल्कुल सही बनाया। आपने पूछा हाउ मेनी एरोप्लेन्स आर है ना, बट यहाँ पर तो एक ही है तो विकी ने क्या किया, देयर इज एक है ना तो इज आ जाएगा। देयर इज ओनली 1 एरोप्लेन इन द पिक्चर। ठीक है सही उत्तर समझ में आया। अच्छा अब देखते हैं, अब बारी है विकी की टीम की। विकी अब तुम इस पे क्वेश्चन बनाओ। हाउ मेनी
काइट्स आर देयर इन द पिक्चर इन द पिक्चर अब राजू तुम बताओ देयर आर टू काइट्स इन द पिक्चर अब तो तुम अच्छे वाक्य बनाने लगे शाबाश अच्छा अब विष्णु तुम बनाओ इस पर क्वेश्चन हाउ मैनी बोट आर देयर इन द पिक्चर अच्छा ठीक है साक्षी तुम उत्तर दो देयर इज वन बोट इन द पिक्चर अच्छा सुने ना तुम क्या एक और वाक्य बना सकती हो उसको देख करके जिसमें जो लोग बैठे हुए उस पर बनाओ क्वेश्चन पूछो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द बोट दीपिका उत्तर दो There are six people in the boat. Very good. तो आपको समझ में आया जी कि how many का यूज क्या होता है उसका उत्तर हम कैसे देते हैं ठीक है जी दीदी चलो अब एक चीज और सीखते हैं देखो जो हमारे आसपास जानवर होते हैं वो बोलते हैं ना अब उसको अंग्रेजी में सीखते हैं कि कैसे बोलते हैं और कैसे हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं मेरे साथ मिलके गाओ ये छोटी सी पोयम है ठीक है पहले तो मैं तुम्हें मीनिंग बता देती हूँ ठीक है डॉग्स क्या करते हैं ओ वो ऐसे करता है ना सुने ना बिल्ली कैसे करती है हाँ भाई दूध बचाओ बिल्ली आ गई कैट्स म्यू म्याऊ म्याऊ कैट्स म्यू म्याऊ म्याऊ बर्ड्स चर्प 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 बर्ड्स चर्प 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 काऊ माऊ 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 काऊस माऊ 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 डॉग्स क्वैक 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 डॉग्स क्वैक 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 वेरी गुड याद रहेंगी आवाजें जी दीदी चलो ऐसा करते हैं इस पर एक अच्छी सी कविता पढ़ते हैं हम लोग ठीक है देखो टू लिटिल डॉग्स टू लिटिल डॉग्स went out one day over the hills and far away mother duck said quack 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 but only one little duck came back 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 मजा आया जी दीदी अच्छा तो हमने कितनी सारी चीजें सीखी बताओ तो आज दीदी हमने गिनती भी सीखी है शाबाश विकी और बताओ दीदी हमने वाक्य बनाना सीखा हाँ हाउ मैनी से और देयर आर से कैसे बनता है ठीक है ना साक्षी तुमने क्या सीखा दीदी हमने तुमने फलों के नाम तो सीखे ना जी दीदी तुम गुआवा भूल गई थी ना जी अच्छा राजू तुमने क्या सीखा तुम्हें डक की पता लग गई बत्तख को इंग्लिश में डक कहते हैं और डक जब बोलती है क्वैक 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 तो उसको लिखते कैसे हैं है ना अच्छा दीपिका तुमने आज हमने जानवरों की आवाज सीखी और उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी सीखा और विष्णु तुमने सारे गिनतियों की स्पेलिंग सीखी है ना अच्छा अब ये बताओ कि ये पेंसिल कौन लेगा और ये सारी गुड़िया कौन लेगा अच्छा और ये सारे फ्रूट्स कौन खाएगा तो वही खाएगा जिसको सारी स्पेलिंग्स याद होंगी सारी कविता याद होगी तो घर जाके पढ़ाई करोगे ना जी दीदी मजा आया इंग्लिश पढ़ने में जी दीदी अब इंग्लिश बोलने में हिचकोगे तो नहीं जी दीदी ठीक है